अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने अभी अपने हेयर वॉश किए हैं, तो बस थोड़ा सोचा धूप में आ जाऊं। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद जल्दी से सूख जाए। वो जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है, जिसकी कुछ पत्तियां बहुत येलो येलो सी हो गई, वो बेर का पेड़ है। और बहुत मन करता है खाने का, क्योंकि लेकिन वो बेर जो है ना बहुत ऊपर लगे हुए हैं, तो हम तो तोड़ तो सकते नहीं, बस दूर से देख कर के ही मन भर ले जाता है हमारा। वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे वाले। और ये जामुन का पेड़ है, इसमें तो वैसे तो कभी भी, मतलब इतने सालों जब से ये पेड़ है, एक ही बार किस मैंने ही देखा था। इसमें 3 जामुन लगे हुए थे जो लास्ट ईयर मैंने खा लिए थे अकेले अकेले। हाँ, बस इस आम के पेड़ में लगते हैं आम। देखिए, छोटी छोटी बोरे भी आ गई हैं। और ये है कि हाँ, इस पेड़ के आम खाने को तो मिल जाते हैं। मेरे बाल तो अब काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, तो अब सोच रही हूँ कि आप लोग को अपनी कॉलोनी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, मतलब छत से ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं अभी छत पे हूँ तो ऊपर से ही दिखा ये पाऊँगी। मेरी कॉलोनी है। मेरी कॉलोनी में सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ बहुत हरियाली है। मतलब कॉलोनी के जस्ट बाजू से लगा हुआ पहाड़ है, तो काफ़ी हरियाली है यहाँ। लोगों ने भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं अपने। ये उस साइड जो आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे मोर भी रहते हैं। उनकी आवाज़ आती है सुबह सुबह आती है, अभी तो नहीं आ रही, अभी तो छोटी छोटी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। बट हाँ, उस वाले पहाड़ में बहुत सारे मोर रहते हैं। अब मॉर्निंग में 6 या 7 क्लॉक के आसपास आएंगे, इतनी आवाज़ें आती हैं। ये अब मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी तैयार हूँ, तो मैंने थोड़ी देर तक छत में ही बास्केटबॉल खेला। एक्चुअली टाइम कम था, मुझे मार्केट जाना था, इसलिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैंने छत पे थोड़ा सा खेली। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने 2 शर्ट दी है सिलने को, वाइट शर्ट। तो उसके लिए क्या है, मेरी उन्होंने बोला कि पुरानी कोई शर्ट हो तो उसका नाप रहेगा, क्या थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लग जाता है। वैसे तो नाप दे आई थी, बट अब जा रही हूँ लेकर। ये टेलर वाले भैया की आपको शॉप दिख रही होगी, जीन्स टेलर, उनके यहाँ मैंने शर्ट दिया अपनी। और मैं अभी अपनी कॉलोनी में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा देर के लिए रुकी थी, सोचा मतलब घर वालों से पूछ लो अगर उन्हें कुछ चाहिए, जैसे मिल्क वगैरह चाहिए होता है। तो अब मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ, और क्योंकि मुझे काफ़ी देरी हो गई थी, तो मैंने फटाफट ये गोभी की सब्ज़ी बनाई और फिर खाया आराम से, और खाकर फिर सो ही गई फाइनली।